बिटवा सफाई हो गई क्या? हाँ ग्रैनी कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी कर, मिस्टी आने वाली है। क्यों ग्रैनी? हम दोनों कौन बनेगा कब्रिस्तान क्वीन कंपटीशन में जजेस जो हैं, तो वो आ रही है ताकि हम कंटेस्टेंट को पूछने वाले क्वेश्चन रेडी कर सकें। बेटुआ उसके सामने मेरी बेइज्जती खराब नहीं होनी चाहिए। घर को चकाचक रखना और एक से बढ़कर एक स्नैक्स बनाना। अरे पीकर नॉट ग्रैनी, आपका बिटवा है ना, मैं ऐसे एक से बढ़कर एक स्नैक्स बनाऊंगा कि ये मिस्टी उंगली चाटती रह जाएगी। बिटवा मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, चल मैं भी काम पे लग जाती हूँ। इसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी टपक पड़ेगी गरम जली। हाँ ये आपने सही बोला। बाकी सफाई मैं कर देती हूँ, तू जाकर स्नैक्स रेडी कर दे। हाँ ठीक है ग्रैनी। तुम्हारा स्वागत है मिस्टी। थैंक यू, इट्स सो नाइस टू बी हियर। ओहो गलत टाइम पे छोले भटूरे खा लिए थे, मेरा पेट डगमगा गया है। तुम बैठो, मैं जाकर आती हूँ। लगता है ये जानलेवा बदबू इसने छोड़ा है। ठीक है जाते जाते ट्विंस की मूवी लगा देना। अच्छा अच्छा अभी आती हूँ। ओह नो। देख तो सही कौन आया है। ग्रैनी मैं किचन में बिजी हूँ, आपको चेक करना पड़ेगा। बिटवा तुम स्नैक्स बनाते रहो, मैं चेक करती हूँ। थैंक यू मिस्टी। हाय देयर। अरे ये सुंदरी कौन है, मैं तो इसको देखते ही अपना दिल हार बैठा हूँ। अरे ये फौलाद की औलाद कौन है, कितना हैंडसम है ये। हाय गॉर्जियस, मैं हूँ मिस्टर मीट, यहाँ मीट डिलीवर करने आया हूँ। लगता है आप उधर भी बराबर की लगी है, मुझे गॉर्जियस बोल रहा है। मेरा नाम है मिस्टी। इसकी तो आवाज भी बड़ी सुरीली है। आप यहाँ गेस्ट है क्या? हाँ अपने दोस्त ग्रैनी के घर आई हूँ। आप यहाँ रोज आते हैं क्या? लगता है इसको झूठ बोलना पड़ेगा। हाँ मैं यहाँ रोज मीट डिलीवर करने के लिए शाम को 7 बजे आता हूँ। और आप? इसे मिलने के लिए मुझे भी झूठ बोलना पड़ेगा, मैं भी रोज इसी वक्त यहाँ पर आती हूँ। बाकी छोरे ग्रैनी, मिस्टी आंटी ना मुझे चॉकलेट देकर गई है। ये चमत्कार कैसे हो गया, वो तो एक नंबर की कंजूस मक्खी जूस है, तुझे चॉकलेट देकर गई। अरे वाह। वही तो। लेकिन आज उसकी खुशी उछल उछल के बाहर क्यों आ रही थी, मुझे तो डाउट हो रहा है। ये तो आपने सही कहा, मैंने मिस्टी के चेहरे में आज तक कभी स्माइल नहीं देखी, लेकिन आज उनके चेहरे से खुशी फूट फूट कर बाहर निकल रही थी। कहीं इसे जजिंग की फीस ज्यादा तो नहीं मिल रही? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं ऑर्गेनाइजर्स की कब्र खोद दूंगी। अरे रुक, इसको तू मैं और ग्रैंडपा मिलके खाएंगे। ग्रैनी लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए है। इस घर में तेरा मेरा कुछ नहीं होता, सब कुछ बराबर का होता है। अच्छा ठीक है, चल बिटवा जाकर देखते हैं कौन आया है, फिर चॉकलेट खाएंगे। हाय बिटवा कैसे हो? अरे मिस्टर मीट अंकल आप? मीट डिलीवर करने आया हूँ। मीट? लेकिन आज तो हमने मीट ऑर्डर ही नहीं किए। मेरी शॉप में नया मीट आया है तो सोचा आपको सैंपल देकर आ जाऊँ, खाकर बताइएगा कैसा लगा। वाह क्या बात है बिड़ू। थैंक यू थैंक यू। थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा क्या? रुको अभी लेकर आती हूँ। रुको ग्रैनी मैं। पानी अपनी ग्रैनी को लाने दो, तब तक मैं तुम्हें इसकी रेसिपी बता देता हूँ बिटवा। हाँ बिटवा तब तक तो रेसिपी सीख, मैं पानी लेकर आई। ग्रैनी यहाँ नहीं है, यही सही मौका है। बिटवा वो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बोलिए। क्या तुम्हारे पास मिस्टी का नंबर होगा? मुझे मिस्टी का नंबर चाहिए था। क्या मिस्टी का नंबर? हाँ है ना मेरे पास, मिस्टी का नंबर मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? बोलो तुम्हें क्या चाहिए? आपको मुझे रॉड की आइसक्रीम खिलानी होगी। ठीक है काम हो जाएगा। रुको अभी नंबर लेकर आता हूँ। वाह मिस्टर मीट, अब मिस्टी को मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे मिस्टी आंटी आज यहाँ क्या कर रही है? अरे बिना बताए क्यों टपक पड़ी? अरे मिस्टी अचानक से कैसे आना हुआ? ये तो इनका अपना घर है, कभी भी आ सकती है। वो मैंने देखा कि बिछुआ बहुत ही ब्राइट बच्चा है और इसको एजुकेशन की बहुत जरूरत है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं रोज शाम को 7 बजे आकर इसको ट्यूशन पढ़ाऊँ। होप यू डोंट माइंड।
इसी बहाने सुंदरी के दर्शन भी हो जाए करेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ भी रह सकती हो। चुप करो बाबू। माफ करना, ये थोड़े मजाकिया है। वैसे तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छा है मिस्टी। इसी बहाने कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो फिर क्लासेस कब से शुरू करने के बारे में सोच रही हो तुम? कल से शुरू करती हूँ, ठीक शाम 7 बजे आ जाए करूँगी। हाँ ये सही रहेगा, तो कल से ट्यूशन शुरू कर दो। घर की बात है तो मुझे पता है तुम फीस नहीं लोगी। ये हुई ना बात, अब मिस्टर मीट हम गाएंगे प्यार के गीत। अरे ये मिस्टर मीट और मिस्टी रोज एक टाइम पर ही क्यों धमक पड़ते हैं? अभी पता लगाती हूँ। अरे मिटवा, कुछ जरूरी काम था क्या जो तुम हमसे मिलने इस टाइम आ गए? मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी, क्या आप मेरी हेल्प करोगी? हेल्प? कैसी हेल्प? वो जब से मैंने मिस्टी को देखा है मैं अपना दिल हार बैठा हूँ, मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ। करम जले, इसलिए आता था तुम्हारे घर? देखो तो जरा इस मिस्टर मीट को, तभी हमें मुफ्त के मीट पे मीट खिलाया जा रहा था। Oh, no. मैं लाइफ में बहुत अकेला हूँ, मेरी एक बेटी है, मैं चाहता हूँ उसे माँ का प्यार मिले। क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगी ग्रैनी जी? मैंने यहाँ पे jodibanao.com खोल रखा है क्या, जो मैं तेरी और मिस्टी की बात चलाऊँ? आया बड़ा। वैसे मिस्टर मीट अंकल, आपने हमें अपनी बेटी से कभी मिलाया क्यों नहीं? अरे इन्हें क्या बताऊं, मैंने तो उसे पिग बना के रखा है, मेरी पोल खुल जाएगी। अभी वो छोटी है और शर्मीली भी, तो उसे ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं। जल्दी मिला दूंगा। सच्चा प्यार करता है ना उससे, कहीं टाइम पास तो नहीं कर रहा? खा मेरी कसम। अरे नहीं नहीं, मेरी नहीं, खा अपने मीट की कसम। अरे मेरे मीट की कसम, मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ। अगर आपने मेरी और मिस्टी की जोड़ी बना दी तो मैं आपको पूरी जिंदगी फ्री का मीट खिलाऊंगा। अरे वाह, फोकट के मीट के लिए कुछ भी। ठीक है, तेरी और मिस्टी की जोड़ी बना दूंगी, इसी बात पर नल्ली निहारी खिला। अरे मेरी ग्रैनी है ना, आप ये रिश्ता पक्का समझो। जे हुई ना बात, अब मैं घोड़ी चढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मिस्टी Here I come. Love you, my dulhania. पता नहीं मिस्टी को इसके बारे में सुन के कैसा लगेगा, गुस्सा ना हो जाए। मैं इसको पढ़ाने आ ही रही थी, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? वो कुछ जरूरी बात थी इसलिए आए हैं। तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? मैं तो एकदम चुलबुली सी लड़की हूँ, मैं कब बुरा मानती हूँ? आप भी ना दीदी जी। वो मिस्टर मिट घर आया था और बोल रहा था कि तुम उसे भाग गई हो और वो तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो तुमसे शादी करना चाहता है, तो क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? क्या ये बोला उसने? मुझे पता था कि तुम गुस्सा हो जाओगी। भूल जाओ कि मैंने ऐसे तुम्हें कुछ कहा था। चल बेटा घर चलते हैं। अब गलत समझ रही है, मैं भी उसे बहुत पसंद करती हूँ, मेरे दिल में भी उसके लिए कुछ कुछ होता है। देखो तो जरा इस बुढ़िया को, ये भी फुल रेडी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें वो पसंद है। मैं अभी ये खुशखबरी मिस्टर मीट को दे देती हूँ। मैं मिस्टर मीट के साथ डेट पे जाने के लिए मर ही जा रही हूँ। मिस्टर मीट, एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। जल्दी बताइए, इंतजार नहीं हो रहा। मिस्टी ने तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए हाँ कर दी है। अरे वाह, मेरा उसके साथ डेट पे जाने का सपना पूरा होने वाला है। तो कल नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर डेट पर आ जाना। मैंने तुम्हारे लिए कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम अपने घर में किया है, तो गिफ्ट के साथ टाइम पर आ जाना, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। ठीक है, मैं अच्छे से रेडी होकर टाइम पर पहुँच जाऊँगा। और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। पता है मगरू भाई, बहुत जल्दी एक जोड़ी बनने वाली है। जोड़ी किसकी भैया जी? मिस्टर मीट और मिस्टी की। वाह का बात है भैया जी, दोनों की जोड़ी तो एकदम लल्लन टॉप है। हाँ ये तो आपने सही कहा, दोनों का एकदम परफेक्ट मैच है। कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं का? हाँ, ग्रैनी ने नीचे उनके लिए डेट प्लान की है। भैया जी, हमरी और हमरी गर्लफ्रेंड मगरी की भी डेट फिक्स कीजिए ना प्लीज प्लीज प्लीज। श्योर मगरू भाई, जरूर करूंगा, अभी चलता हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। ओके भैया जी, सी यू। ओके टेक केयर, बाय बाय। अलले कितना प्यारा लग रहा है मेरा बिटवा। ओह थैंक यू थैंक यू।
वैसे ग्रैनी, डेट दूसरों की है, आपने वेटर मुझे बना दिया है। अरे बिटवा, अपनों की हेल्प करने में कोई वेटर थोड़ी होवे है, तू तो पुण्य का काम कर रहा है। दोनों बस आते ही होंगे, तैयारी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वाइन सर्व कर दियो। ठीक है ग्रैनी, आई होप आप अपनी डेट एंजॉय कर रहे होंगे। सो स्वीट ऑफ यू बिटवा। बिटवा अब तुम जा सकते हो। ओके, और कुछ चाहिए होगा तो आवाज दे दीजिएगा। मिस्टी, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तो मैं तुम्हें देखते ही अपना दिल हार बैठा था। मैं भी तुम्हें देखकर अपना तन मन धन सब हार बैठी थी। अरे देखो तो इनको, साथ में दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, नजर ना लगे किसी की। मुझे नहीं पता था कि इन दोनों के अंदर इतना प्यार कूट कूट के भरा है। अरे अगर इन दोनों की जोड़ी बन गई तो मेरा पत्ता तो कट जाएगा। क्या बोला बुढ़ो? मेरा मतलब है, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर जस्ट लाइक विस्की एंड सोडा। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। जब से तुमको देखा है शर्म क्या कहे, कितने हैं बेचे। रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं। चोरी से आना, छुपके से जाना, अच्छी नहीं दिल लगी। मुझसे शादी करोगी? तेरे नाम मैं आवांगी, ससुराल मैं जावांगे। वाह क्या बात है, दोनों रोमियो जूलियट लग रहे हैं। बिल्कुल गटर जैसी बदबू आ रही है, तुम नहाकर नहीं आए क्या? हाँ स्वीटी, मैं नहाना भूल गया। What? तुमने मुझ का सारा सत्यानाश कर दिया। अरे अचानक से मिस्टी को क्या हुआ? मुझे उल्टी आ रही है, मैं घर जा रही हूँ। Oh, no. अरे क्या हुआ मिस्टर मीट अंकल, मिस्टी नाराज होके के चली गई? मैं नहाकर नहीं आया ना तो वो गुस्सा होकर चली गई। जन्म जले, जब तुझे कहा था नहाकर आना तो तुम नहाकर क्यों नहीं आया? कटवा देना मेरी नाक, कर देना बेइज्जती खराब। ग्रैनी जी, मैं डेट के लिए इतना एक्साइटेड था कि मैं खुशी के मारे नहाना ही भूल गया। क्या मिस्टर मीट अंकल, आप भी ना? मैं तो डर गया था कि सुंदरी हाथ से निकल गई, अच्छा हुआ रास्ते का कांटा निकल गया। बुढ़ाओ तेरी ये मजाल। मैं मिस्टी को अपना बनाकर ही रहूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। आई लव यू माई ड्रीम गर्ल। That's the spirit, Mr. Meat Uncle. That's the spirit. चलो अब मैं चलता हूँ, bye. Bye, Mr. Meat Uncle. अरे ये दोनों तो कट लिए, इतना खर्चा जो किया इसके पैसे कौन देगा? ग्रैनी आप तो कमाल की हो, लोगों को मिलाने के लिए आप क्यूपिड का काम कर रही हो। बिटवा हमें दूसरों की मदद हमेशा करती रहनी चाहिए, क्योंकि दूसरों को खुशी देने में जो मजा है उसका आनंद ही कुछ और है। Hi guys, I hope आपको Mr. Meat और Scary Teacher यानी मिस्टी की जोड़ी पसंद आई हो। तो फटाफट से मोक मीट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीट।